हे गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी ऐसे ही बेड पे लेट के था मैं, बाहर जाने का प्लान था ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है। अभी न्यूज वगैरह देख रहा हूँ ना, अंदर से और भी डर बैठ जा रहा है। मन कर रहा है लेकिन सोच रहा है क्या ही जाए। अभी देखो अगर प्लान बनेगा तो निकल जाएंगे। और वैसे भाई दबे अभी दी आई है और साथ में देख लो यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह भी लाई है और एंजल भी है इधर, केक वगैरह पता नहीं क्या 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 लेकर आई है। दीदी का यही है, जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर आती है। बाकी आर्यन लोग भी आने वाला है, पहले सबको आ जाने दो उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। हाँ तो अभी देख लो आर्यन, बगल में एंजल, यहाँ पे दी जो तब से छुपने का कोशिश कर रही है, ये देख लो सबको ये भी आ गया है। और अभी क्या है ना, मम्मी आज लंच बनाई नहीं है, मतलब सब कुछ रेडी करके रखी है। चिल्ला बनाने का मम्मी का प्लान था लेकिन अभी ये लोग आया है तो सभी से मैं पूछ लेता हूँ एक बार कि क्या खाने का मन है। आर्यन तो खैर आर्यन से जब भी पूछेंगे मोमो ही बोलेगा, तो ये लिस्ट में ही नहीं है। दी बताओ क्या खाना है, क्या मतलब कुछ एक अपना पसंद बताओ, किस टाइप का चीज खाने का मन कर रहा है ये बताओ। उस दिन जो मम्मी के लिए लाए थे ना, अच्छा लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। अच्छा चलो ठीक है, एंजल को क्या खाना है? वही जो मम्मी ने बोला चिकन लॉलीपॉप, हमको भी वही। और आर्यन का तो खैर मोमो, नहीं मोमो नहीं खाना ये जान मुझे आज मोमो नहीं बोला है। लेकिन बताओ सच सच बताओ क्या है, मंगा देंगे? कुछ भी अभी नहीं मन कर रहा। लॉलीपॉप? हाँ लॉलीपॉप। तो चलो एक ही जगह से काम करते हैं, लॉलीपॉप ही मंगा लेते हैं, सिप एंड बाइट से। आपको पता होगा मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, मस्त होता है यहाँ का चिकन लॉलीपॉप। देखते हैं घर पे ऑर्डर करके, घर पे जब मंगा कर खाते हैं तो कैसा टेस्ट लगता है और सबको पसंद आता है कि नहीं आता है। ऑर्डर कर लेते हैं पहले, देखो कितने टाइम में आएगा नहीं आएगा, उसके बाद जब आ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली देख लो आ गया हम लोगों का लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। और ये दो प्लेट मंगा लिया हूँ मैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? एक दो, मम्मी तीन, दी चार, पांच और मैं छह, टोटल छह लोग हैं। आराम से हो जाएगा। ओए होए होए, इतना गर्मा गर्म चिकन, इतना जल्दी आएगी। अभी सभी एक्साइटेड है खाने के लिए, लेकिन कितना जल्दी आ गया ना। इतना सब हाथ सैनिटाइज किया है, चलो सब सैनिटाइज कर लिया हाथ। हाँ। एक एक तो चलो सबको ही उठाओ, चीयर्स कर लो सबको, चीयर्स कर लो। मम्मी आज इतना तेल क्यों लगा लिया पूरा? माथा दर्द नहीं होता है क्या? नहीं तो। चीयर्स। चीयर्स। कैसा है? चीयर्स बहुत अच्छा है। चीयर्स 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 चीयर्स। तुम भी आ जाओ बेटा। बढ़िया भाई, मस्त है ये मैं बता रहा हूँ ना, जिसको भी ट्राई करवाता हूँ उसको पसंद आता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं तो इसको कितने बार ट्राई किया हूँ फिर भी। एक और फ्लेवर नोटिस कर रहे हो तुम लोग, गार्लिक का फ्लेवर, हर चीज है इसमें, मतलब पूरा चीज थोड़ा स्पाइसी भी है, गार्लिक का भी फ्लेवर है। हाँ जी, तो दीदी लोग अपने घर चली गई है और दीदी लोग के घर जाते ही मम्मी अपने काम पे लग गई है। क्या बना रही है मम्मी? चिल्ला बनाएंगे। बहुत दिन बाद घर में चिल्ला बनेगा। एक्चुअली दीदी लोग से भी पूछा गया लेकिन उन लोगों किसी को भी नहीं खाना था सबका, मतलब चिकन लॉलीपॉप खा के ना मुँह चटपटा सा हो गया था। वही लोग खा के सबको बोली की मुँह को फीका नहीं करना है, चटपटा ही रहना। हाँ वैसे मैं बता दूँ, सिक्किम जो हमारा टूर हुआ था उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग सबको ही मिला। इसमें भी अभी बुग्गी और बुग्गी के मम्मी पापा का कमी था लेकिन वो वीडियो कॉल में हम लोग बातचीत हो जाता है क्योंकि वो सबसे दूर रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। दूर और नहीं है लेकिन सुविधा बच्चा लेके फिर दिक्कत हो जाता है। और अभी इस टाइम में उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन से, तो हम ही लोग मना कर देते हैं कि रहने तो, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं अगर आ सकते हैं तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, बच्चे को लेकर अभी ट्रेवल करना थोड़ा सेफ नहीं रहता है तो इसलिए वो नहीं आ पाती है। बाय द वे, आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हो मोहित भाई आप इतने जगह गए हो, इतने सारे पहाड़ों में गए हो, आपको अभी तक का सबसे अच्छा पहाड़ कौन सा लगा? पहले तो मैं अपनी बात साइड करता हूँ, पहले मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी गई है जम्मू, गई है मम्मी दार्जिलिंग, गई है मम्मी और सिक्किम भी गई है मम्मी। और सिक्किम में तो ऐसा वैसा सिक्किम नहीं, गुरुदुम्बर घूम कर आई है मम्मी। तो मम्मी तुम बताओ तुमको तीनों पहाड़ों में सबसे अच्छा पहाड़ कौन सा लगा? सिक्किम वाला ही पहाड़ अच्छा लगा, मतलब गुरुदुम्बर का बात कर रही हो। ऐसे दार्जिलिंग भी तो बहुत अच्छा था, सब पहाड़ हमको एक ही जैसे दिखने में लगता है। एग्जैक्टली सब पहाड़ एक जैसा है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो सिक्किम है ना, नॉर्थ सिक्किम की अगर बात करूँ जहाँ हम लोग गए थे, वो थोड़ा हाइट पे है। अगर आपके साथ एजेड पर्सन ज्यादा है ना, जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मम्मी पापा अगर थोड़े फिट है तो ठीक है। मम्मी को जब पहुंची तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मम्मी मतलब कार से उतरना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने मम्मी को बोला मम्मी इतना दूर तुम आ गई हो, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, एक फोटो क्लिक करवा लो और बाहर से आकर एक बार देख लो कि कैसा माहौल है ये, इतने हाइट पे मतलब कैसा तुमको महसूस हो रहा है। मम्मी बता रही थी कि जब फर्स्ट टाइम मम्मी वहां पे गाड़ी से नीचे उतरी तो मम्मी को अपना बॉडी बहुत हल्का फील हुआ ना, तो मम्मी को ऐसा फील हुआ कि बहुत हल्का महसूस हो रहा था। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं क्योंकि बीच बीच में मैं उतर ही रहा था, ऑक्सीजन तो एकदम लो रहता है। और एक चीज मैं देख रहा था ना, गाड़ी
अंदर हम लोग बैठे हुए थे तो पेट्रोल का गन बहुत ज्यादा आ रहा था। वही तो मेरा और जो धुआं जो होता है ना गाड़ी का जो धुआं सब निकलता है बहुत ज्यादा लग रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्यों, शायद ऑक्सीजन वगैरह कम था शायद इसलिए क्या। तो ये एक चीज मैंने देखा। और बाकी मैं एक चीज देखा हूँ, नॉर्थ सिक्किम जो है एजेड पर्सन लोग के लिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको दिन में 8-8 घंटा 7-7 घंटा ट्रेवल ही करना होगा। जिसको ट्रेवल में प्रॉब्लम होता है तब तो भाई दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और हाई एल्टीट्यूड में तो प्रॉब्लम होता ही है। तो ये चीज का अगर दिक्कत अगर नहीं है तब आप ले जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं तो वहां पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है ना, आसपास में ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट जाके करवा लो। अगर आपको गुरुदोंबर में कुछ होता है तो आपको 14 या 12 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा, और वहां आकर आपको आर्मी वाला जो मेडिकल कैंप सब होता है ना वहां पे आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बाकी और कोई ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना अगर वहां का प्लान कर रहे हो तो। बाकी तो मुझे पहाड़ सच बताऊं तो मुझे भी सब एक जैसा ही लगता है, लेकिन हाँ लद्दाख हो गया और गुरुदोंबर वाला जो पार्ट हो गया वो हाई एल्टीट्यूड में है ना, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत दोनों सिमिलर है। देखो सिंपली मैं बताऊं तो लद्दाख में कभी गया नहीं हूं और गुरुदोंबर तो मैं गया हूं। अगर कोई लद्दाख गया है तो बताओ दोनों लद्दाख एंड गुरुदोंबर एक ही जैसा लगता है क्या। जैसे लद्दाख का पैंगोंग लेक हो गया एक, वहां मेरे को जाने का बहुत मन है लेकिन देखो कब वहां का चक्कर लगता है। लेकिन मैंने देखा है लद्दाख थोड़ा मुझे ज्यादा ड्राई लगता है, मतलब सूखा सूखा सा लगता है। तो कमेंट करके बताना कोई अगर ऐसा है तो, अगर दोनों जगह घूमा है तो सेम लगा या फिर कोई अलग लगा आपको। बाकी अभी यही सब है। देखो मम्मी चिल्ला बनाती है, चिल्ला खाते हैं, आज लग रहा है वही हमारा डिनर हो जाएगा। वो खाकर अब सोई जाएंगे, क्या करें अब कुछ करने को है नहीं। सोचे थे बाहर निकलेंगे लेकिन दी लोग आ गए, दिन भर घर में ही रह गया, शाम को क्या ही निकलू, 10 बजे तो कर्फ्यू लग जाता है ना यहाँ पे, तो इसलिए घर पे ही रह गया। तो देख लो ये जो चिल्ला है लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं लेकिन मैं अभी डिनर के टाइम खा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, इसको खाते हैं, फिर एक दो मेल का रिप्लाई करना है वो भी करते हैं। तो देख लो अभी मैं अपना डिनर कर रहा था और ये कौन आ गया, वापस से आ रहे हैं। एक्चुअली अपना ये कैप भूल गया था, चलो कैप तो मिल गया, अब ये आ ही गया तो डिनर करके चला जाएगा अब घर। मतलब इसका जो घर है ना ज्यादा भी दूर नहीं है, ये मैं भी छोड़ाऊंगा पास में ही है, उतना भी दूर नहीं है, आराम से आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि याद होगा आपको मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग PS लेने का सोच रहे हैं, PS5, लेकिन मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा है PS5। अगर कोई कोलकाता से हो ना तो प्लीज आप बताओ कहां मिल जाएगा मुझे PS5। तो एक PS5 ले लिया जाता और अच्छा खासा टाइम पास हो जाता। खैर कोई नहीं, अभी आर्यन आया है उसको देते हैं, वो डिनर करके वो भी निकल जाएगा। और होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।